नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करेंगे दिल्ली यात्रा। राज्य के 9 शहरों में बनेंगे 1000 कैदियों की क्षमता वाले नए जेल। बिहार विधानसभा में CAG की रिपोर्ट से सरकार की खुली पोल। फ्लैट रिजर्व में भागलपुर की गरिमा बनी बिहार टॉपर। अगले 1 से 2 दिनों में दक्षिण बिहार के हिस्सों में भारी बारिश का है अलर्ट। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। अवैध बालू बिक्री की मॉनिटरिंग के लिए पटना में बनी 4 टीमें। पटना जिले में हाल ही में बालू के रेट को फिक्स किया गया है। हालांकि कड़े नियम कानूनों के बावजूद भी अवैध बालू खनन से लेकर इसे मनमाने कीमत पर बेचने का खेल जारी रहता है, जिससे सरकार की फजीहत हो रही है। इसे लेकर पटना जिलाधिकारी ने जिला स्तर पर 4 टीमों का गठन किया है, जो कि अवैध बालू खनन और उनके तय कीमत की मॉनिटरिंग करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक इन टीमों ने बीते दिन गुरुवार से अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। ये 4 टीम अलग अलग जगह पर बालू के स्टोरेज और उसके सेकेंडरी लोडिंग लोकेशन की जांच कर रही है। साथ ही ये टीमें यह भी चेक करेंगी कि DM के द्वारा तय किए गए बालू के रेट पर केवल लाइसेंसधारी विक्रेता ही बिक्री का काम कर रहे हैं या फिर नहीं। साथ ही अगर कोई विक्रेता ग्राहक से तय कीमत से ज्यादा वसूलता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि पटना में 100 घनफीट बालू का रेट, लोडिंग चार्ज और लाइसेंसधारी का कमीशन मिलाकर 4,528 रुपए तय किया गया है। बिहार में 2 IAS अफसरों के तबादले में हुआ संशोधन। बीते 2 दिन पहले ही सूबे में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का ट्रांसफर विभिन्न विभागों में किया गया था। उनमें से अब 2 अफसरों के ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव किया गया है। इन दोनों अधिकारियों के पहले वाले ट्रांसफर को रद्द कर दिया गया है। इसके मुताबिक गिरिवर दयाल सिंह को इख आयुक्त के पद पर स्थापित किया गया है। बता दें कि उनका ट्रांसफर शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सह माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पद पर से हुआ था और राज्य सरकार ने 27 जुलाई को उन्हें खेल निदेशक बनाया था। दूसरी तरफ IAS अफसर डॉक्टर संजय सिन्हा को खेल निदेशक के पद पर से तबादला करते हुए एक आयुक्त बनाया गया था। वे अब वापस अपने पद खेल निदेशक के तौर पर ही स्थापित रहेंगे। इस संशोधन को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार भ्रमण की यात्रा पर फिर से निकलेंगे उपेंद्र कुशवाहा। राज्य में जदयू की स्थिति को जड़ से मजबूत करने के उद्देश्य से जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधान पार्षद उपेंद्र कुशवाहा पहले और दूसरे चरण के बाद अब तीसरे व चौथे चरण में बिहार भ्रमण करेंगे। इस दौरान वे बाढ़, कोरोना आदि से परेशान आम जनता के बीच सरकारी योजनाओं के लाभ को पहुंचाने को लेकर काम करेंगे और इसमें जदयू कार्यकर्ताओं की भागीदारी को पूरी तरह सुनिश्चित करने पर विचार करेंगे। इस बाबत कुशवाहा के बिहार भ्रमण का कार्यक्रम भी फिक्स हो गया है। तीसरे चरण में 1 अगस्त को नौगछिया, 2 अगस्त को भागलपुर, 3 अगस्त को बांका, 4 अगस्त को जमुई, 5 अगस्त को शेखपुरा व 6 अगस्त को नवादा जिले के आम जनता से मुलाकात करेंगे। तो वहीं चौथे चरण में 16 अगस्त को जहानाबाद, 17 अगस्त को गया, 18 अगस्त को औरंगाबाद में कार्यक्रम तय हुआ है। बिहार विधानसभा में कैग की रिपोर्ट से सरकार की खुली पोल। बीते दिन गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान कैग ने अपनी रिपोर्ट को पेश करके सरकार की पोल खोल कर रख दी है। कैग रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां सामने आई है। कैग ने अप्रैल 2018 से फरवरी 2020 तक के 629 मामलों का पड़ताल किया है, जिसमें बताया गया है कि इस दौरान सरकार को 3,658.11 करोड़ के राजस्व की हानि हुई है, जबकि बिहार सरकार के संबंधित विभागों ने 1,336.65 करोड़ के राजस्व नुकसान को स्वीकार किया है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि मनरेगा के तहत साल 2014 से 2019 के बीच 26 से 36 फीसदी लोगों ने रोजगार मांगा था, लेकिन केवल 1 से 3 फीसदी मजदूरों को ही 100 दिनों का रोजगार मिल सका है। इसके अलावा इंडो नेपाल बॉर्डर पर 5 सालों में केवल 25 किलोमीटर ही सड़क का निर्माण हो सका है। इन सभी गड़बड़ियों का खुलासा होने के बाद नीतीश सरकार के विकास के दावे बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। बिहार के 13 जिलों में नहीं मिले एक भी कोरोना के मरीज। सूबे में कोरोना की दूसरी लहर अब कई जिलों से अलविदा कह चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ताजा आंकड़ों में 13 जिलों से एक भी नए संक्रमितों की पहचान नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट में बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 1,43,658 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें केवल 46 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 42 लोग कोरोना बीमारी से स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद राज्य भर में एक्टिव केस की संख्या 480 हो गई है। राज्य में रिकवरी रेट 98.6% हो गया है। हालांकि लोगों को अब भी गाइडलाइंस का प्रयोग और वैक्सीन लगाने की हिदायत दी जाती है। आपको बताते चले कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने अब तक 9,642 लोगों की जान ले ली है।
सूबे में MBBS कोर्स के लिए सीटें बढ़ाने को लेकर सरकार कर रही है कवायद। बिहार के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें बढ़ाने की कवायद में सरकार जुटी है। इसके लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव तैयार है जिसे केंद्र सरकार से मंजूरी मिलना बाकी है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बीते दिन विधानसभा में दी है। उन्होंने कहा कि मंजूरी मिलते ही अगले सत्र से 950 सीटें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी है कि राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज को खोलने पर काम हो रहा है। पूर्णिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगले सत्र से MBBS कोर्स में 100 छात्र छात्राओं का दाखिला होगा। उन्होंने बताया कि पूर्णिया के अलावा सारण, समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, वैशाली, सिवान, बेगूसराय, जमुई, बक्सर एवं आरा में मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उनमें से कुछ कॉलेजों में अगले सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाएगी जिसके बाद वहां बड़े अस्पताल भी बनेंगे। अगले एक से दो दिनों में दक्षिण बिहार के हिस्सों में भारी बारिश का है अलर्ट। बिहार में एक बार फिर से मानसून की सक्रियता बन गई है जिस वजह से बीते दिन गुरुवार को पटना समेत राज्य के कई जिलों में अचानक से बारिश होने लगी। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक एक मानसून ट्रफ लाइन समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर तक फैला है जो कि फिरोजपुर, रोहतक, अलीगढ़, प्रयागराज, डाल्टनगंज, तटीय बांग्लादेश के रास्ते से होकर गुजर रही है। इसी मौसमी प्रभावों के कारण से बिहार में अगले 24 से 48 घंटे के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी तो वहीं दक्षिण बिहार के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ ही बेहद भारी बारिश के आसार हैं। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों को लेकर येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज के लिए रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, गया, नालंदा में अति भारी बारिश की भी संभावना जताई है। अब 10 अगस्त तक देनी होगी मतदाता सूची में सुधार की जानकारी। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची में संशोधन किया गया है जिसकी जानकारी को अब 10 अगस्त तक संबंधित क्षेत्र के मतदाता तक पहुंचाने का काम पूरा करना है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। बताते चले कि यदि ग्राम पंचायत के कुछ क्षेत्र और पूर्व में स्थापित किए गए मतदान केंद्र नगर पालिका क्षेत्र में चले गए हैं तो शेष बचे ग्राम पंचायत में मतदान केंद्र को पंचायत क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। ऐसे में जो मतदाता पंचायत क्षेत्र के मतदाता नहीं रहे उन्हें अलग करते हुए उन क्षेत्रों का मतदाता सुनिश्चित किया गया है। इसलिए ऐसे हिस्सों में साप्ताहिक हाट बाजारों में ढोल पीट कर संशोधन का प्रचार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को कार्यों की रिपोर्ट आयोग को भेजने का भी निर्देश दिया है। क्लैट रिजल्ट में भागलपुर की गरिमा बनी बिहार टॉपर। देश भर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए होने वाली परीक्षा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि क्लैट 2021 का रिजल्ट बीते दिन गुरुवार को जारी किया गया जिसमें बिहार के भागलपुर जिले की गरिमा बंका ने राज्यभर में टॉप किया है जबकि देश भर में उन्हें 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। गरिमा को क्लैट में 113.25 अंक मिले हैं जबकि बिहार के दूसरे टॉपर बेतिया के अरुणोदय बने हैं। साथ ही खगड़िया के मयंक ने बिहार में तीसरा स्थान पाया है। बताते चले कि क्लैट के जरिए देश के विभिन्न नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थियों का नामांकन लिया जाता है। क्लैट ने रिजल्ट के साथ ही अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट और फर्स्ट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन को भी शुरू कर दिया है। पहली कट ऑफ लिस्ट 1 अगस्त को जारी की जाएगी। बता दें कि इस टेस्ट में पंजाब के मनहर बंसल ने ऑल इंडिया टॉप किया है। पटना यूनिवर्सिटी में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की नई बिल्डिंग का हुआ उद्घाटन। पटना विश्वविद्यालय में आज डॉल्फिन रिसर्च बिल्डिंग का शुभारंभ हो गया है। इस बिल्डिंग में अब जल्द ही डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का निर्माण शुरू होगा जिसकी लागत 29 करोड़ रुपए होगी। आज इसके लैब और ऑफिस का उद्घाटन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने किया है। जानकारी के मुताबिक इस रिसर्च सेंटर के जरिए डॉल्फिन की संख्या बढ़ाने और इसके संरक्षण पर खास तौर पर बल दिया जाएगा। साथ ही डॉल्फिन की तमाम गतिविधियों पर शोध किया जाएगा। इससे लोगों को भी डॉल्फिन से जुड़ी कई जानकारियां मिलेंगी। बताते चले कि सेंटर तैयार होने के बाद गंगा या फिर सहायक नदियों में पाई गई मृत डॉल्फिन को सेंटर मिलाकर पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके आधार पर वैज्ञानिक शोध करेंगे। हंगामेदार रहे विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन की शुरुआत। बिहार विधानसभा में आज मानसून सत्र का अंतिम दिन रहा था जो हो हंगामे के साथ चलता रहा। आज का मुद्दा खासकर कैग की रिपोर्ट को लेकर था जिसमें सरकारी विभागों की कई गड़बड़ियों का खुलासा हुआ। इसे लेकर राजद के विधायक और मुख्य सचेतक ललित यादव ने कार्यवाही की शुरुआत में ही कैग का मुद्दा उठाते हुए मनरेगा योजनाओं में लूट का आरोप सरकार पर लगाया। वहीं दानापुर विधायक रीतलाल यादव ने स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी का मसला उठाते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने स्मार्ट मीटर को जनता को परेशान करने वाला मीटर बताया और कहा कि रिचार्ज कराने के बाद भी बिजली समय पर नहीं आती है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं का हल नहीं हुआ तो लोग सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे, जिस पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विधायक की शिकायत अनावश्यक है। वहीं विपक्षी विधायकों ने बिहार से बाहर कोरोना से मरने वाले बिहारी लोग को अनुदान की राशि नहीं मिलने का भी मामला उठाया। राज्य के 9 शहरों में बनेंगे 1000 कैदियों की क्षमता वाले नए जेल। कोरोना काल में जेलों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में जेल में बंद कैदियों में भी संक्रमण फैला क्योंकि बिहार के जेलों में क्षमता से अधिक
कैदी बंद पड़े हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार बड़ी क्षमता के साथ 9 जेलों का निर्माण करवाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत गृह विभाग के प्रभारी मंत्री ने जानकारी दी है कि नए जेलों को उन जगहों पर बनाया जाएगा जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद न्यायालय की स्थापना की संभावना बनी है। इनमें राजगीर, रजौली, मढौरा, महाराजगंज, हथुआ, चकिया, पकड़ी दयाल, महनार और सिमरी बख्तियारपुर में नए जेल बनाए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक काराओं की क्षमता 1,000 कैदी को रखने की होगी। इसके लिए कारा निर्माण के जमीन चिन्हित करने को लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करेंगे दिल्ली यात्रा। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन चला, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक 31 जुलाई शनिवार को दिल्ली में जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आहूत है, जिसमें सीएम को शामिल होना है। इस बैठक में जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। मीटिंग में नीतीश कुमार के अलावे पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह व जदयू के सभी सांसद और कार्य समिति सदस्य शामिल होंगे। गौरतलब है कि पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद से ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की चर्चाएं तेज हो गई थी। माना जा रहा है कि यह जिम्मेदारी पार्टी के दो दिग्गजों ललन सिंह और आरसीपी सिंह में से ही किसी एक को सौंपी जा सकती है। हालांकि संभावना यह भी जताई जा रही है कि नीतीश कुमार खुद भी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। कटिहार मेयर के मर्डर केस में 4 नामजद की हुई गिरफ्तारी। बीती रात को कटिहार नगर निगम के मेयर शिवराज पासवान की हत्या मामले में पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मृतक के भाई ने 11 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। इस बारे में एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने कहा है कि अन्य नामजदों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद मामले का अनुसंधान करके स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। मामले में फॉरेंसिक जांच भी की गई है। तो वहीं आज विधानमंडल में भी कटिहार सांसद ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि सरकार इस पर नजर बनाए रखे हुए है और घटना के लिए उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग हो रही है। बताते चले कि बीते दिन गुरुवार को रात के करीब 9:30 बजे मेयर शिवराज पासवान घर लौट रहे थे, जहां शहर के संतोषी चौक इलाके में पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर एक के बाद एक 3 फायरिंग कर दी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। श्रीलंका के खिलाफ हारने के बाद कप्तान धवन ने बताई गलतियां। बीते दिन भारत और श्रीलंका के बीच हुए तीसरे T20 मैच में भारतीय टीम को हार मिली, जिसके साथ ही श्रीलंकाई टीम ने T20 सीरीज पर कब्जा जमा लिया। इस मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों का बेहद खराब प्रदर्शन रहा। टीम 20 ओवरों में 8 विकेट पर 81 रन ही बना सकी। इस मामूली से लक्ष्य को श्रीलंकाई टीम ने 15वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। वहीं मैच के बाद भारत के कप्तान शिखर धवन ने दोनों टीमों के खेल की तारीफ की और कमियों को बताते हुए कहा कि जब आप जल्दी विकेट खो देते हो तो आपके पास लंबी बल्लेबाजी नहीं रह जाती है, ऐसे में आप दबाव में आ जाते हैं। दोनों टीमों ने शानदार जोश के साथ खेल दिखाया और यह एक खूबसूरत एहसास है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार की पुलिसिया व्यवस्था में क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।